जय हिंद जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा था वो दूसरा सेशन हम लोग लेके आए हैं। आज हम लोग का दूसरा सेशन चल रहा है। आज हम लोग केमिस्ट्री का, याद रखिएगा, आज हम लोग का केमिस्ट्री का सेशन चलेगा। पहला जो हम लोग का सेट चला था उसमें फिजिक्स का हम लोग क्वेश्चन लेके आए थे। पहला सेशन फिजिक्स का चला था जिसमें 25 क्वेश्चन था। पहला सेट जो था उसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स का था। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेशन लेके आए हैं। इस सेशन में 20 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। इस सेशन में कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे 10 सेकंड का समय मिलने वाला, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का हम यहाँ पे समय देंगे। और आपको बताना है कमेंट्स करके कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। इसके साथ साथ हम बता दें कि अगला जो सेट होगा, यानी अगला जो आपका टेस्ट होगा वो मैथ का होगा। अगला जो टेस्ट होगा मैथ का होगा। मैथ में कम से कम 5 टेस्ट होगा, याद रखिएगा, कम से कम 5 टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव का। अगर 20-20 का भी होगा तो लगभग हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का 100 क्वेश्चन हम लेके आएंगे। यहाँ पे हमको बता दें कि फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री है, तो इस चैप्टर से एक एक और सेट जो होगा वो हम आपको बता दें कि एक एक सेट और हम लेके आएंगे, फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। बायोलॉजी का जो होगा वो मैथ के टेस्ट के बाद होगा, तब तक उसका चैप्टर जो होगा वो हम लोग का समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो रूटीन हमने बताया था कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा, वो अगले मंथ से, यानी कहने का मतलब है कि आपको याद रहना चाहिए कि अभी जो है 5वां मंथ चल रहा है, छठा मंथ से अगर बात करें, यानी जून से, याद रखिएगा, जो रूटीन फॉलो होगा वो जून से होगा। अभी थोड़ा सा मौसम भी ख़राब है जिसकी वजह से थोड़ा लाइट का दिक्कत हो रहा है, इसलिए वीडियो हम नहीं डाल पा रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जून से आप लोग का निरंतर जो हमने आपका डेट फिक्स कर दिया है उस पर वीडियो मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आपका टोटल कम जो आपका सिलेबस होगा वो हम आपका कंप्लीट करके देंगे। चलिए अब ज़्यादा लेट आपको नहीं करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दें, साथ ही साथ पिछला वीडियो में कुछ बच्चों ने जो कमेंट्स किए थे कि किनका कितना सही है, उनका जरा सा हम आपको बता दें कि किनका कितना सही था। तो चलिए, सबसे ज़्यादा अभी तक कमेंट्स में अगर बात करें तो एक अंकित कुमार हैं। अंकित कुमार जो है ये सबसे ज़्यादा इनका सही था, 21 सही था, इन्होंने कमेंट्स करके बताया है। इसके अलावा ऋतिक जो है इनका सही है 19 सही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एक विवेक कुमार है, उनका 10 सही था। साथ ही साथ नेहा कुमारी का जो है वो 18 सही है। अगर कमेंट्स के हिसाब से देखें तो ये थर्ड पोजीशन पे हैं, एक पे अंकित है, दो पे ऋतिक है, तीन पर नेहा है। और इसके अलावा कुमकुम कुमारी ने भी टेस्ट दिया था जिनका 4 नंबर आया था, तो इनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक कुमार कोई हैं, ये लोग और बच्चे भी जो थे वो कमेंट्स किए थे। तो आप लोग अपना नाम लिखिए और कितना नंबर आया ये ज़रूर बताइए, तब जाके हम आपका अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन बच्चा फर्स्ट किया और कौन सेकंड किया। चलिए अब आपका सेशन जो है आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे हम लेके आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, आपका समय जो है वो हम स्टार्ट कर दिए। आपका समय जो है स्टार्ट है, आपको बताना है जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो पहला का चलो समय जो है वो समाप्त हो गया है, पहला का समय समाप्त हो गया है पहले प्रश्न का, और इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। यानी याद रखिएगा, लोहे को जो जिंक से लेपित करते हैं उसको गैल्वनीकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे संक्षारण की क्रिया से बचाने के लिए हम लोग गैल्वनीकरण की काम करते हैं। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। चलिए, आपको बताना है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। आपका समय जो है वो स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइएगा कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग जो होता है श्वेत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से बताना है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर अभिक्रिया करे तो कौन सा गैस का निर्माण होता है। आपका समय जो है वो स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइएगा कि नंबर 3 जो है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर जो होगा क्या होगा। चलिए, आपका समय समाप्त हो गया। हम आपको बता दें कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए, आपका समय जो है तो वो हम स्टार्ट कर देते हैं। आपका समय स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे दहन की क्रिया कौन सा है निम्नलिखित पे।
आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें कि पेट्रोल का जलना जो है वो एक दहन की क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चार के बाद पांच पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण। चलिए आपका समय जो है वो स्टार्ट हो गया है, आपको जल्दी से बताना है कि ये साग सब्जी जो विघटित होता है और कंपोस्ट बनता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है और आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी उष्मा क्षेपी इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित में कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जल्दी से बताइएगा, आपका समय जो है स्टार्ट हो गया है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। जल्दी से बताइएगा कि लेड नाइट्रेट जो होता है उसको अगर हम लोग बात करें कि गर्म करने पर, चलिए 15 सेकंड का हम आप इसमें समय दे दिए थे, समय जो आपका समाप्त हो गया, यानी 6 नंबर का आंसर जो होगा वो डी होगा, NO2 और साथ ही साथ O2 ये हमें प्राप्त होता है, यानी आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी होगा, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा डी, यानी हमने यहाँ पे बी लिख दिया था, डी इसका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, निम्नलिखित में कौन सही है। चलिए आपको बताना है इसमें से चार जो फॉर्मूला दिया है इसमें से चारों में से कौन सा सही है। आपका समय जो है वो स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। आपका समय जो है तेजी से बढ़ रहा है, आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। चलिए अब हम आपको इसका आंसर बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका जो राइट आंसर होगा, NO2 CO3 में होगा 10H2। अब आपको बताना है ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, कमेंट्स करके आप हमको बताइए, कमेंट्स करके बताना है कि ये कौन सी चीज़ का फॉर्मूला होता है, आपको कमेंट्स करके बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। चलिए आपका समय जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन की क्रिया है। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी से, आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है और हम आपको बता दें कि यहाँ पे अपघटन की क्रिया जो है ऑप्शन नंबर सी में वो दिख रही है होते हुए, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको जरा सा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक अभिक्रिया दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया इसमें हुई है। आपका समय जो है वो स्टार्ट हो गया है, आपका समय स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइएगा कि निम्नलिखित में ये कौन सी अभिक्रिया है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। अब आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे विस्थापन की क्रिया हुई है, याद रखिएगा कौन सी क्रिया हुई है, विस्थापन की क्रिया हुई है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लौह चूर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, आपको बताना है। आपका समय जो है स्टार्ट हो गया है, चलिए इसमें 15 सेकंड का हम समय दे देते हैं, क्वेश्चन लंबा है तो आप आसानी से पढ़ सकें। चलिए जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, आपका समय जो है वो समाप्त होने वाला है। चलिए समय समाप्त हो गया है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इसका आंसर याद रखिएगा ए, यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें 10 ही सेकंड का समय देंगे। आपका समय स्टार्ट हो गया है, बताना है कि श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए समय जो है वो समाप्त हो गया, हम आपको बता दें कि आंसर नंबर ए जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी उपचयन अभिक्रिया होता है। आपको मालूम है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ये सारा हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। चलिए 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमसे कह रहा है कि एक समीकरण देके कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए समीकरण को देखिए और बताइए कि ये कौन सी अभिक्रिया इसमें हो रही है। समय हमें स्टार्ट कर दिए हैं, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके लिए आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है और हम आपको बता दें कि इसका आंसर जो होगा बी होगा, यानी अपचयन की क्रिया यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है जुड़ रहा है और साथ ही साथ अगर ध्यान से देखिएगा ऑक्सीजन जो है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त हो रहा है, इसलिए सीधे सीधे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यानी अपचयन की क्रिया हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। चलिए समय स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 जो है, चलिए आप आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। चलिए ये जय माता दी वाला क्वेश्चन था क्योंकि अभी हम नहीं पढ़ाए थे, चलिए क्वेश्चन बीच में आ गया था तो बताते चलें। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है। चलिए 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। एक अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है और आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है चारों ऑप्शन कौन सा इसमें सही है। आपका समय स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और समय भी आपका कह रहा है कि अब समाप्त हो गया है। चलिए आंसर जो होगा यहाँ पे ए होगा, यानी यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए वहाँ पे याद रखिएगा कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण जो है बताना है कि कैसी अभिक्रिया है। आपका समय जो है स्टार्ट कर दिए हैं, जल्दी से बताइएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही आसान प्रश्न है। समय जो है वो समाप्त हो गया, हम आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ रहा है इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा तो वो हमारा आंसर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सारा बहुत ही डिटेल से हम पढ़ाएं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए और पहले वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए, नोट्स तैयार कीजिए और उसके बाद टेस्ट दीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। वैसे समय आपका स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको इसका आंसर बताना है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है और हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आइए 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, चलिए 17 नंबर का बताना है कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। समय जो है आपका स्टार्ट हो गया है, समय स्टार्ट कर दिए हैं, जल्दी से बताना है कि कौन सा अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है और 17 का आंसर जो होगा वो सी होगा, याद रखिएगा 17 का आंसर क्या होगा, सी। आपको ये विस्थापन अभिक्रिया भी बहुत ही डिटेल से हम पढ़ा चुके हैं। चलिए 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। समय स्टार्ट है, बहुत ही इजी प्रश्न है 18 नंबर, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपका समय जो है वो समाप्त होने वाला है, चलिए समय समाप्त हो गया है, हम आपको बता दें कि इसका आंसर बी होगा, यानी अविलय, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया, चलिए अपघटन अभिक्रिया को पहचानना है। समय आपका स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में समय आपका स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइएगा कि आंसर क्या होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का समय समाप्त हो गया है, हम आपको बता दें कि इसका आंसर नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमें अपघटन की अभिक्रिया नजर आ रही है, तो याद रखिएगा सीधे सीधे कि ऑप्शन नंबर 19 का क्या होगा, सी होगा। अब चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी प्रश्न की तरफ। चलिए बताना है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बताना है, चलिए बहुत ही डिटेल से पढ़ाएं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, आप बताइए इसमें से कौन सा अभिक्रिया जो दिख रहा है आपको रेडॉक्स अभिक्रिया है। आपका समय जो है स्टार्ट कर दिए हैं, आपका समय स्टार्ट है, जल्दी से बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। समय समाप्त होने वाला है, चलिए समय जो है आपका समाप्त हो गया है और हम आपको बता दें कि इसका आंसर जो होगा सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो देखिए ये था हम लोग का, अगर हम बात करें तो आज का सेशन, आज का जो सेशन की अगर बात करें तो आपको पता है कि हमने इसमें 20 प्रश्न लिए थे, आज के सेशन में 20 प्रश्न का हमने टेस्ट लिया। आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है और अपना नाम लिखिएगा सबसे पहले, और नाम लिखिए उसके सामने लिखिएगा कि आपका कितना सही हुआ, ये कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको सेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा हो कि इससे हमको बेनिफिट है तो इसको शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ताकि हम अगला वीडियो भी अब इतना ही उत्साह के साथ ला सकें। अगला टेस्ट का हम डेट बता दें कि संडे को होगा और वो उसमें होगा मैथ का टेस्ट, तो अभी से आप उसका तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।